हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे विजार्ड एकेडमी में। आज हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस के 16वें पार्ट में हैं और इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चनों पे हम लोग हैं जो मेंस लेवल एसएससी पूछता है और हम उसको करेंगे और देखेंगे वो कैसे होते हैं। आइए चलिए देखते हैं उनको कैसे करना है। देखिएगा दोस्तों, मैंने एक सवाल लिया ये वाला। मैं हर एक क्वेश्चन में एक ऐसा टर्म लूंगा जिसमें आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे और 15 वीडियो तक हम लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि रूट शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। तो तरीका क्या था आप बताइएगा, इसको वाले को ब्रेक करते हैं क्योंकि इसमें तोड़ेंगे तो 6 और 5 बनेगा, 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे 6 और 5, रूट 6 का 6 और रूट 5 का 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab के लिए, इसको अगर ab के मानेंगे 2ab, तो यहाँ पे ये रूट 6 6 का काम करेगा, रूट 5 5 का, क्योंकि स्क्वायर कराने पे 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, यानी ये तो बन गया। बात आती है अब ये वाली जो 10 वाला है, तो 7 और 3 10 में अगर हम देखेंगे इसको तोड़ें तो 5 और 2 में, तो यहाँ पर 5 और 2 2 इंटू रूट 5 ए का काम करेगा और रूट 2 बी का काम करेगा, तो ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 और 2 7 हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर हम इसको तोड़ने जाएंगे तो 2 दुनी 4 और रूट 3 लिखा है, 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर होगा आपका 3, तो 4 और 3 तो 7 होता है, यहाँ 8 होता है, तो इस वाले को तोड़ना मुश्किल है, हम इसी को ही सीखेंगे। बाकी ये तो बहुत आसान हो गया। जैसे अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हम करने जाएंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा रूट 6 माइनस रूट 5 का होल अप स्क्वायर बन जाएगा। और ये वाला हिस्सा जो ये वाला भी बहुत आसान है, ये बन जाएगा आपका रूट 5, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस का, रूट 2 का होल अप स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे और आपको कभी भी स्क्वायर करने पे बन ना रहो तो अगर इनसे कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे 2ab तो बनाना ही है, तो 2 को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा उसको बाहर लेके कोशिश करिए, तो 8 और 2 में 2 अगर हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 4 में से 2 बाहर निकल गए तो बचेगा 2√3। और अब करके देखिए जरा, रूट 2 इंटू ए की जगह रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मन मन मान लेते हैं, और 1 का स्क्वायर 1, तो देखिएगा ये आसानी के संग ये बहुत बन गया। हमेशा याद रखिए इसको कैसे करना है। अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर ये बनेगा 1 अपॉन रूट 6 माइनस का रूट 5, ठीक है, कॉन्जुगेट कराएंगे हम लोग आगे स्टेप में चल करके। यहाँ पर 3 और यहाँ पर बचेगा आपका रूट 5 माइनस का आपका रूट 2, और आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 हो गया, इसको ऐसे ही रखेंगे, और ये रूट 2 बाहर ही रहा क्योंकि ये रूट 2 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिएगा रूट 3 प्लस 1 का होल अप स्क्वायर बन गया, रूट 3 प्लस 1 का होल अप स्क्वायर, और चाहे तो पूरे में रूट अभी लिखा है दीजिएगा, बाद में काट लेंगे, ठीक है ना, ये होल अप स्क्वायर, इससे ये रूट बाहर निकल आएगा, ठीक है, और इससे इसका इंटू करा लीजिएगा चाहो तो, या बाद में जैसे भी आपकी इच्छा करे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट कराएंगे तो आपको रेसिप्रोकल पता है, रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है, और नीचे रूट 6 का स्क्वायर 6 और रूट 5 का 5, तो 6 में 5 गया बचेगा 1, उसकी कोई लेना देना नहीं है। माइनस यहाँ पर करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट कराएंगे रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है ना, जब भी प्लस का कराएं तो थोड़ा सावधान रहें माइनस प्लस में, ठीक है ना, और 5 का रूट 5 और रूट 2 का 2, 5 में 2 गया 3, यहाँ पर थोड़ा संभल करके और करेंगे, देखिएगा ये तो रूट से बाहर निकल आया और ये रूट 2 बच गया, तो यहाँ बचा आपका 4 और ये रूट 2, और यहाँ पर बचा आपका रूट 3 प्लस 1। अगले स्टेप में रूट का इंटू करा लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा रूट 6 आपका प्लस रूट का आपका बचा 5, यहाँ पर अगर आप देखेंगे माइनस की एंट्री कराएंगे रूट 5, और यहाँ पर कराएंगे तो माइनस का आपका रूट 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इंट्री करा लीजिए, तो इसी स्टेप में मैं आपको इंट्री करके दिखा दे रहा हूँ कि रूट 2 का 3 में इंटू होगा तो ये रूट 6 हो जाएगा, और आपका रूट 2 का 1 में होगा तो रूट 2, तो इसी स्टेप में मैं यहाँ पर भी करा सकता था ताकि आपका स्टेप कम लगे, रूट 6 प्लस आपका रूट 2। अब इसका आप कॉन्जुगेट कराएंगे तो क्या बनेगा जरा बताइएगा, तो ये बनेगा रूट 6 माइनस का रूट 2, और यहाँ कराएंगे तो रूट 6 माइनस का आपका रूट 2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेप में क्या बन जाएगा, रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, जो यहाँ पर भी बनना था, तो रूट 6 का स्क्वायर 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 6 में 2 गया 4, यहाँ पर 4, तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे 4 ब्रैकेट ओपन करके रूट 6 माइनस का रूट 2 अपॉन का, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी और दोनों इंटू में है, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, माइनस की एंट्री करा दीजिए, तो ये हो गया रूट 6, ये हो गया रूट 5,
ये माइनस का रूट पाँच, ये माइनस का रूट टू, और यहाँ पर माइनस का रूट छः, और ये प्लस का रूट टू। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस से रूट टू कट गया, रूट छः से प्लस का रूट कट गया, ये कट गया, तो इसका उत्तर बहुत आसानी के संग कितना गया, जीरो। मेंस का क्वेश्चन है एसएससी का, और भी बहुत एग्जाम में पूछा गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और करके दिखाते हैं उसको कैसे करना है। दोस्तों मैंने दूसरा सवाल लिया है, ये मेंस के सवाल है, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि पहले जो फॉर्मेट होता था पेपर का, उसमें जो सवाल आते थे उसमें ज़्यादा सवाल होते तो काफ़ी समय मिल जाता था आपको, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको ये सवाल थोड़े शॉर्ट भी करने पड़ेंगे, तो बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा तीन तीन में, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये सवाल में 12 कर लीजिएगा, 12 कर लीजिएगा, ये आप 12 करिएगा क्योंकि ये गलत लिखा है ये सवाल, ठीक है ना, ये लिखते समय मिसप्रिंट है, कोई नहीं, तो यहाँ 12 लिख लीजिएगा। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 6 इंटू ये आपका 6 दुनी 12 टूट गया रूट 6, तो अगर आप देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और रूट 6 का स्क्वायर 6 42, लकी लाना 30 है। मैंने अभी भी आपको पढ़ाया था कि जब भी अगर ऐसा मिल जाए तो देखिएगा कोई कॉमन चीज ले पा रहे हैं क्या, तो 30 दो तो बचाने, 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 बार ले लिया तो 6 पंचे 30 हो गया। अब यहाँ पे 6 निकल गया, बचा 2 और रूट 6। अब देखिएगा करके जरा क्या आपका ये ब्रेक होगा, 6 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं रूट 3 और रूट 2 में। अब देखिएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, देखिए ब्रेक हो गया आसानी से। यहाँ पर देखिएगा ये तो आप कई बार कर चुके हैं, रूट 3 का स्क्वायर 3 और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, यानी किसका बनना, इसका होल अप स्क्वायर तो यहीं बना सकते हैं, किसका स्क्वायर है, रूट 3 प्लस 1 का होल अप स्क्वायर, बहुत आसानी के संग आपका हो जाता है। एक मैंने कहा था आपको ऐसा दूंगा जो फंस जाएगा और ये फंस गया, देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2 और यहाँ पर ये 3 और रूट 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 4 13 या 19 दे रखा है। कभी भी ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो इस वाले बंदे को जो ये 2 के बाद एक्स्ट्रा बचा हुआ है और कुछ 19 और कुछ कॉमन भी ना हो, जैसे यहाँ पर तो कॉमन मिल रहा था, अब मान ना मिले तो जो एक्स्ट्रा नंबर उसको अंदर भेज दो, तो नंबर जब स्क्वायर के अंदर भेजते तो डबल करके जाता है। जैसे एक मेरी बात समझिएगा, जैसे हम लिखें यहाँ पर 9 और यहाँ पर लिखें इंटू 4, तो 4 अगर बाहर आएगा तो 2 पे आएगा, तो इसको 2 इंटू रूट 9 लिख लो, लेकिन जब अंदर जाएगा तो 2 का डबल हो करके मतलब स्क्वायर, 3 होता तो 9 जाता है ना, 4 होता तो 16, क्योंकि स्क्वायर रूट बाहर ही निकलेगा। तो हम इसको अगर देखें तो 19 इंटू 2 रूट अगर हम ये जाएगा तो 9 जाएगा, तो 9 और 2 पहले से 9 दुनी 18, ये अंदर चला गया। अब आप बाहर करना चाहते तो फिर बाहर आ जाएगा, 9 इंटू 2 लिखेंगे, 9 का अंडर रूट 3 होता है तो वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको देखोगे तो हम एक फर्जी मान लें तो रूट 18 का स्क्वायर 18 और 1 का स्क्वायर 1, 18 19 मिल गया, कितना आसान हो गया सवाल। अब हम इसको करेंगे तो रूट 6 ऐसे ही लिखा, और अगर हम आप देखेंगे तो ये बनना था रूट 3 प्लस रूट 2 का होल अप स्क्वायर, बनना है कि नहीं बनना, देखिएगा बनना है, बहुत बढ़िया। माइनस अगर आप देखेंगे आप तो मैं अगर देखूं ये तो बाहर ही आ गया, क्या है ये रूट 3 और प्लस 1, ठीक है, और मैं इसको देखूंगा तो ये अभी अभी मैंने बताई किसका अंडर रूट बनेगा, रूट 18 और आपका यहाँ पर देखेंगे रूट 18 का स्क्वायर 18 और यहाँ 1, यहाँ पर देखेगा 18 का स्क्वायर 18 और 1 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, 18 आपका माइनस 1 का होल अप स्क्वायर बनना, ठीक है, तो ये आपका 18 और 1 का होल अप स्क्वायर बनना है, तो 18 का स्क्वायर 18 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बनाने के लिए, ठीक है ना। अब आप देख लेगा इसका अंडर रूट बाहर आ गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका रूट 6, ठीक है ना, केवल रूट 6 बचा, और यहाँ पर ये आपका रूट 3 प्लस रूट 2 ये बाहर आ गया आपका, ठीक है ना, यहाँ से ये ब्रैकेट खोल दीजिए रूट 3 माइनस का 1 और यहाँ ये स्क्वायर से बाहर आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया आपका रूट 18 और माइनस का 1। थोड़ा समझदारी के संग इंटू कराइए, तो रूट 6 का 3 में कराएंगे रूट 18, रूट 2 का रूट उसमें कराएंगे 2 में रूट 12, माइनस का रूट 3 और माइनस का 1 और ये एंट्री करेगा तो माइनस का रूट 18 और माइनस माइनस प्लस 1 का रूट 1, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो 1 से 1 कट गया, रूट 18 से रूट 18 कट गया, 4 ये 12 लिखा है, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और ये माइनस का रूट 3 लिखा हुआ है, तो 4 का अंडर रूट 2 रूट 3 हो गया और यहाँ पर रूट 3 लिखा है, 2 रूट 3 में रूट 3 जाएगा तो आपका रूट 3 इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत आसानी के संग। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और दिखाते हैं उनको कैसे करना है, बहुत कठिन नहीं है, देखते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसको आपको कई एग्जामों में आया है, और अगर मैं आपको बताऊं दिखने वाला ये भयानक सा क्वेश्चन में उत्तर आपके 4 मैं दूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A1, B0, C2 और D आपका 3, तो आप इसमें से क्या टिक करेंगे ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।
कई एग्जाम्स में आया है, सीडीएस में आया है, एसएससी सीजीएल में आया है आपका, ठीक है ना। तो हम लोग इसको करेंगे, पहले तो देखिएगा मेरे वो दोनों नियम। पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं 2AB भी बनाता हूँ, दो से यहाँ गुणा कराता हूँ, दो से भाग, तो रूट सेवन टूटेगा नहीं, रूट सात का स्क्वायर सात और एक बचेगा तो 1/8 हो जाएगा, यहाँ पे लाना है। तो अगर मैं करा भी रहा हूँ रूट टू से गुणा भाग, तो यहाँ पर 8 आएगा तो ठीक है। यहाँ भी अगर बने और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 2 से कराना है, मतलब यहाँ भी कराना पड़ा और यहाँ भी, और दोनों है। तो हम एक काम ना करें कि इसी सवाल में रूट टू से इधर गुणा करा दें और रूट टू से यहाँ से भाग करा दें, तो इस वाले को जो इनटू चाहिए वो इधर से मिल जाएगा और इस वाले को इधर से मिल जाएगा, तो अलग अलग कराने से बच जाएंगे हम लोग, इससे टाइम बचेगा। तो जब हम इनटू कराएंगे, और एक चीज़ हम बता दें, जब ये इंट्री करेगा रूट में तो ये सेम रूट के तो इंट्री अंदर पहुंच जाएगी, मतलब ये 2 4 8 हो जाएगा और ये 14 मत लिख दीजिएगा, ये इसके संग सट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2√7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना। अब ये देखिएगा, देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है, अब आराम से हो जाएगा। ये देखिएगा रूट टू एट हो जाएगा, 16 हो जाएगा। रूट लगा लीजिएगा, इसको रूट लगा के लिख लीजिएगा ताकि ये हो जाए। देखिए यहाँ पर ये रूट लगा दिया, 2 8 16 प्लस 2 × 3 × ये 3 इसके मिल गया और रूट सेवन जैसा था वैसे लिख लिया मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इससे भी रूट में होगा, क्योंकि देखिएगा ये दोनों के पास जाएगा, मैथ्स का नियम होता है जब भी कुछ होगा तो दोनों को देना, जब इसके पास जाएगा तो √2 √2 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, बस खत्म। बस यहीं तक सवाल था, अगर आपको मेन समझना है वो यहीं तक समझना। आप देखिएगा ये इसके पास रूट सेवन है, 2 × a × जहाँ बी नहीं होता वहाँ 1 मान के देखो, रूट सात का स्क्वायर सात और एक का स्क्वायर एक, बन गया सवाल, खत्म हो गया आपका। तो ये ऊपर वाला बनना है आपका √7 − 1 का होल अप स्क्वायर, बन गया देखिएगा, ठीक है ना। अपॉन नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 मिल गया, 3 का स्क्वायर 9 और रूट सेवन का स्क्वायर 7 9 7 16, यानी ये अलग इसका बनना है आपका, तो 2 और बीच में प्लस है तो प्लस √7 का होल अप स्क्वायर, बहुत सरल है। और ये बन गया आपका 4, ठीक है ना। और ये सब जो चल रहा है आपका, ये होल अप स्क्वायर है, यहाँ तक ये रूट यहाँ तक था, तो हम इसको यहाँ तक ही अंडर रूट लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो अगले सिनेरियो में ये होगा हमारा कि ये रूट सात जो लिखा आपने −1, ये इधर से बाहर आ जाएगा और इधर से आ जाएगा 2 + √7, ये आ जाएगा आपका 2 + √7 और 3 का स्क्वायर 9 था यहाँ पे, तो ये 2 नहीं 3 का बनेगा, देखिएगा ये 3 का बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, जल्दीबाजी करने में गलत हो जाता है, ये देखिएगा यहाँ पर आपका 2 × a × b है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ 3 और ये a का रोल कर रहा है और b की जगह आपका ये रोल कर रहा है, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पर √7 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये −4 हो गया। अब आप अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, √7 − 1 हो गया और 3 में से 4 कटाएंगे तो −1 होगा, √7 प्लस का है, तो यहाँ भी √7 − 1 हो गया और ये पूरा हिस्सा कट जाएगा और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, आसानी के संग 1 आ जाएगा, बहुत आसानी के संग ये उत्तर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको दिखाते हो कैसे होगा ये। देखिएगा दोस्तों, मैंने एक सवाल लिया, ये सवाल आया था आपका, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा अगर आप इसको कर पाएं। देखिएगा जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो 2 × 3 × √5, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, 9 5 14 मिल रहा है और ये प्लस और माइनस में, तो ये वाला हो जाएगा √5 और ये वाला जो हो जाएगा आपका 3 + √5 का होल अप स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से निकल आएगा, आ गया। और यहाँ पर इसी चीज़ का माइनस में फॉर्मेट है, तो अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा, ये बताइएगा, 3 − √5 का आपका होल अप स्क्वायर, सीधी सी बात है, स्क्वायर से रूट हटा लेंगे बाद में। ये लिखा है प्लस, यहाँ लिखा है √3। अगर आप ये बनाइए जरा, देखिए जरा, ये 2 है और ये 4 हो जाएगा √3, 2ab, a का रूल यहाँ 4 करेगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 19, बनना एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है ना। तो आपने यहाँ आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + √3 का होल अप स्क्वायर अंडर रूट में, और बगल वाले में माइनस चल रहा, माइनस लगा दीजिए, कितना अंडर रूट में 4 − √3 का होल अप स्क्वायर, बस खत्म कहानी। हर बार सवाल कठिन नहीं बनता, वो सवाल का फॉर्मेट ऐसे रखता है कि एक दो सवाल कठिन होते हैं, बाकी सब ऐसे ही होते हैं हलवा, ठीक है ना। तो एक दो कठिन मिलेंगे ही, क्योंकि हर पैमाना नापा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये करेगा, अब स्क्वायर सेंटर रूट हट जाएगा तो 3 + √5, और देखिएगा जब यहाँ स्क्वायर सेंटर रूट हटेगा तो ये माइनस का 3 होगा और माइनस माइनस प्लस का √5 होगा। सिमिलरली वहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर करेंगे तो स्क्वायर सेंटर रूट हटाएंगे तो 4 + √3, और यहाँ संभल के हटाइएगा, यहाँ पर माइनस का 4 और ये प्लस का √3, 4 से 4 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया, √5 ऊपर लिखा था लिख दिया, और नीचे देखेंगे तो 2√5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी √3 देखेंगे और √3 √3 2√3 हो जाएगा, देखिएगा √3 से √3, √5 से 5 कट गया, 1/2 1/2 आधा आधा आपका 1 उत्तर हो गया, बहुत आसानी से। देखा दोस्तों कितनी आसानी से हो गया। तो दोस्तों ये पार्ट था आपका
16। अब हम लोग आगे के पार्ट में पढ़ेंगे इसके और वेरिएंट, और बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला, और मैं आपके सामने नंबर सिस्टम लाऊंगा। इसी तरह प्यार करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।